as the new Dragster 160R 4V. गाइस भाई मिले हमें, इनका चैनल है बाइकर बंधु, सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये मैंने इनसे बोलेंगे चैनल सब्सक्राइब करो, फिर बताना काम कैसा होता है हमारा। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन गाइस। और आज है अपने पास द न्यू ड्रैगस्टर 160R 4V अपडेटेड वर्जन। और तो आज इसी को हम जो है रिव्यू करने वाले हैं। बेसिकली इसकी मैं टेस्ट राइड लेने वाला हूँ, रोड पे जाके देखते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस है। काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ और काफ़ी अच्छे इसको रिव्यूज़ इसको काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा इसका रेस्पॉन्स अभी मार्केट में आ रहा है, इवेंट भी इसका आने वाला है। टेस्ट राइड से पहले आई विल से स्पेशल थैंक टू धनसरी हीरो मोटोकॉर्प, जिन्होंने ये व्हीकल हमें प्रोवाइड किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। सो टेस्ट राइड से पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको इसके क्विक अराउंड व्यू दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जो है एक क्विक ब्रीफिंग इसकी कर लेते हैं, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और कितने इसमें वेरिएंट हैं, प्राइस वगैरह का भी मैं इसमें थोड़ा सा अपडेट आपको देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद करेंगे इसका एक राइड टेस्ट रिव्यू। ये है अपने पास एक्सट्रीम 160R 4V द अपडेटेड वर्जन ऑफ द 160R हीरो की, जो पहले 2V में आती थी। तो इसमें जो कुछ अपडेट हुए हैं वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ। सो गाइस पहला जो अपडेट है वो है इसमें इंजन, द फोर वॉल्व टेक्नोलॉजी इसमें आ गई है, ऑयल कूलिंग इसमें आ गई है। यू कैन सी इसमें अभी आपको मिलने वाली है 1.6 मोर BHP एंड 0.6 मोर NM टॉर्क। सो इसमें ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी हो गई है इसकी। ऑयल कूलर की देखो वेजिंग, यहाँ पे ऑयल कूलर की वेजिंग भी मिल गई है, तो सबसे बड़ा अपडेट यही आया है। उसकी वजह से इंजन काफ़ी स्मूथ और काफ़ी पंजी हो गया। मैंने भी थोड़ा सा इसको चलाया है, ज़्यादा मैंने इसको चलाया नहीं। उसके बाद जो अपडेट आया है वो है इसके टैंक में। यू कैन सी द टैंक की जो डिज़ाइन है थोड़ी सी जो है चेंज की है, और थोड़ा सा स्पॉटी स्टांस इसको देने की कोशिश की गई है पूरी, और जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो एक हम्प है ये यहाँ पे इसको, ये जो है ये जो यहाँ पे इसको ये हम्प दिया गया है, ये हम्प पहले नहीं आता था, पहले टैंक थोड़ा सीधा रहता था, अभी इसमें एक आ गया है हम्प। और जो आपका ऑयल लिड है वहाँ पे भी एक थोड़ा सा ये इसको डिजाइन किया गया है, रीडिजाइन किया गया है पूरा टैंक, तो इससे थोड़ा सा बाइक का लुक जो है हो गया है थोड़ा सा और मस्कुलर। फ्रंट से अगर हेडलाइट की हम बात कर रहे हैं तो हेडलाइट पूरी तरह से एकदम चेंज कर दी है, लाइट को थोड़ा सा स्लाइटली डाउन किया गया है। और यू कैन सी इसका जो पहले इसका जो फोरहेड था वो जो है कम हुआ करता था, अभी यहाँ पे आपको लेंथ अच्छी मिलती है, नंबर प्लेट ऊपर आ गई है, पहले नंबर प्लेट नीचे हुआ करती थी, तो लाइट को थोड़ा नीचे और पोजिशन किया है ताकि आपको रोड पर विजिबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी मिल सके। और उसके बाद जो एक अपडेट हुआ है वो हुआ है इसमें जो इसका टॉप वेरियंट है वहाँ पर आपको मिल जाते हैं USD KYV के। हाँ भैया ब्लॉग्स बनाते हैं, बाइक का रिव्यू वगैरह करते हैं और ब्लॉग बनाते हैं। ठीक है गाइस, देखो ये हमारे दो भैया आगे खड़े हो गए हैं, देख रहे हैं कैसा हम काम करते हैं। इनसे बोलेंगे चैनल सब्सक्राइब करो, फिर बताना काम कैसा होता है हमारा। तो बाकी जो इसमें एक अपडेट हुआ है वो है आपका ये जो सीट को लेके, इसकी सीट जो है ये जो है स्टैंडर्ड वर्जन है, इसमें आपको सिंगल सीट दी है, लेकिन प्रो में आपको मिल जाती है स्प्लिट सीट, और थोड़ा सा यहाँ पे एक होल टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है। तो काफ़ी प्रो जो इसका वर्जन है उसका लुक काफ़ी अलग लगता है, मतलब बाइक अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट हो गई है अभी। और ये जो है ये बेस वेरिएंट है, उसमें क्या फ़र्क है वो मैं आपको एक अनदर वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। इसमें भी मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ आपको दे दूँगा कि जो मेजर जो फ़र्क है इसमें तीन आपके वेरिएंट हैं, प्रो, कनेक्ट एंड स्टैंडर्ड। तो प्रो इज़ द वो फुल्ली लोडेड बाइक है, आपका USD है, आपका इसमें हीरो कनेक्ट ऐप है, बाकी सब कुछ है उसमें। और जो कनेक्ट है, कनेक्ट आपको सेम यही बाइक मिलने वाली है जो बाइक मेरे सामने खड़ी हुई है, यही मिलेगी, सिर्फ आपको उसमें हीरो कनेक्ट मिल जाता है। और ये है हमारा स्टैंडर्ड वर्जन, तो स्टैंडर्ड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बाइक मिल जाएगी और 4V इंजन मिल जाएगा, जिससे आप सिर्फ उसका परफॉर्मेंस का जो है मज़ा ले सकते हैं। सो यही इसके जो है एक क्विक मैंने आपको वॉक अराउंड दे दिया और क्विक ब्रीफ में समझा दिया कि बेसिकली इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। बाकी इसको हम अभी रोड पे लेके जाएंगे, चलाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी देख लिए होंगे, बट आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट कि आपको मैं इसमें अच्छे से समझा सकूँ। मीटर कंसोल में आपको एक बार इसका दिखा देता हूँ, तो मीटर कंसोल एज यू नो के हीरो का एक वन ऑफ द बेस्ट है ये, इससे अच्छा इसमें और किसी बाइक में आता नहीं है, तो वही सब है इसमें जो पहले था, ज़रा डिटेल में बताऊंगा नहीं आपको। टाइम है, गियर इंडिकेटर है, टैकोमीटर, ओडोमीटर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है इसमें। और इसमें जो है आपका चार्जिंग पॉइंट जो है यहाँ पे हैंडल बार के नीचे दे दिया गया है, ये स्टील्थ मॉडल में भी आ गया था। तो बेसिकली मेजर अपडेट यही है, थोड़ा सा बाइक को करा है रीडिजाइन और इंजन को कर दिया 4V।
सो पहले भी ये अपने सेगमेंट में फास्टेस्ट थी, अभी ये 0 to 60, 0 to 100 एंड जो इसका टॉप स्पीड है उसमें 160 सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बाइक है। ओके गाइस, सो अब करते हैं इसको टेस्ट राइड। ये हमारे दो भाई सब्सक्राइबर हमें मिल गए थे, इनसे लेते हैं विदा। चलो भाई ठीक है, ओके भाई, सुबह मिलेंगे फिर किसी दिन। ओके जैसे कहते हैं ना, जो मजा वो मजा आ गया। तो अंधेरा हो रहा है भाई, जल्दी से लेके चलते हैं शोरूम पे, कहीं शोरूम वाले गुस्सा ना हो जाए मेरे से कि भैया कहाँ लेके चले गए हमारी बाइक को। तो यार देखो, लिटरली बाइक ना बड़ी मतलब लाइट वेट है, पावर टू वेट रेशियो एकदम मौसम है, भर भर के आपको पावर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। सेगमेंट फास्टेस्ट, सेगमेंट में फास्टेस्ट हो ही गई है बाइक, पहले हो ही क्या गई है, पहले से ही सेगमेंट में फास्टेस्ट बाइक थी ये, अभी और ज़्यादा मज़ेदार हो गई है। इंजन 4V होने की वजह से बहुत स्मूथ हो गया है, वाइब्रेशन कहीं भी पता नहीं चलता है। देखो मैं 5वें ईयर में अभी इसको आराम से चला पा रहा हूँ ट्रैफिक में भी। और भाई एग्जॉस्ट नोट तो गजब ही कर दिया है हीरो ने, एग्जॉस्ट नोट में तो लिटरली मज़ा आ गया। पब्लिक रिएक्शन लेने लायक एग्जॉस्ट नोट है, मतलब मुझे ही लगता है कि आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा कराने की आगे से ज़रूरत है, बाकी लोगों की अपनी अपनी इच्छा रहती है। बैक टू द पवेलियन, प्राइस की बात कर लेते हैं। प्रो जो है आपको पड़ने वाला है 138,20,00,000, 1,38,000 की एक्स रूम की इसकी प्राइस है। कनेक्ट वाला जो है वो आपको 1,34,000 का पड़ने वाला है, और जो इसका है स्टैंडर्ड वो 1,28,000 का पड़ने वाला है। फ़र्क मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रो में आपको जो है USD फोर्क मिल जाते हैं और कनेक्ट ऐप की कनेक्टिविटी मिल जाती है, बाकी जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, और कनेक्ट में आपको सिर्फ कनेक्ट मिल जाएगा, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ में। तो भाई दुकान बंद करने का वक्त हो गया, भैया गुस्सा कर रहे हैं, कहाँ लेके चले गए थे, आगे ले जाऊँ, सब घर चले गए। सो गाइस बैक टू द पवेलियन आ गया पीएलडब्ल्यू के पास, और ये है धनश्री हीरो का शोरूम, यू कैन सी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू सून, सायोनारा, जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी देखो हीरो होंडा आमने सामने है, तगड़ी लड़ाई चल रही है लिए भाई, अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बाइक कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको बाइक में बेसिकली क्या अच्छा लगता है 4V में वो आप कमेंट सेक्शन में आगे बता सकते हैं। बाकी मुझे तो बहुत मज़ा आया बाइक को चलाने के बाद, मतलब जो स्मूथनेस बाइक में अभी आ गई है वो लिटरली जो है फील होती है।